आपको पता हो तो गजनी ने है ना जो 17 बार इंडिया पे अटैक किया था, और जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है उस पर भी अटैक किया था, वहाँ से बहुत सारा सोना होना। ये देखो गजनी, गजनी का उत्तराधिकारी। और यहाँ पे अभी ये जगह है ना, यहाँ पे गजनी रहा करता था, गजनी का महल हुआ करता था किसी जमाने में। क्रिकेट खिलाएगा ये गजनी टाइम का जेल ऐसा हुआ करता था। और ये है महमूद गजनवी की टॉम्ब, उसकी कब्र। दिस एरिया गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है अफगानिस्तान के एक और नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ काबुल, अफगानिस्तान की जो कैपिटल है काबुल। और यहाँ से हम लोग आज जा रहे हैं गजनी। गजनी यहाँ से लगभग कितने 2 घंटे का रास्ता होगा, 2 या 2.5 घंटे का रास्ता होगा, फिर गजनी से हम लोग जाएंगे हेरात। तो अभी हम लोग गजनी, अभी कितना टाइम हो गया यहाँ पे इंडिया में, हो गया लगभग 1:15 बज गए, यहाँ पे 12:15 बजे अभी। और मैं भवानी भाई और उम्मा, हाय एवरीवन, तो अभी चलते हम लोग गजनी। गजनी, गजनी का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा यार। महमूद गजनवी जो था उसका जन्म यहीं पे हुआ था, उसका बर्थ प्लेस है गजनी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने भाई लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले जो एक भाई तो यहाँ गजनी से ही है, और एक भाई है जो अपने काबुल से है। माय नेम इज सैयद शाह। शेर शाह, सैयद शाह, सैयद शाह, सैयद शाह। सो आई एम हियर एंड visiting some places, historical places of Ghazni. Yes. So I hope we had a good time. Tu khinch meri photo, tu khinch meri photo. Ye hai bhai hai. Said Nikbin Rohani from Ghazni city. Ghazni city, you yeah. are from Ghazni city. Yeah. And also representative of basketball in Ghazni city. Basketball? Yeah. Earlier you were saying that you were a cricket player. Yeah, I was a cricket player. Right now I'm a basketball player. Yeah. Oh wow. So, अभी आप लोगों को यहाँ पे गजनी में लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा, और आप लोगों को गजनी सिटी घुमाऊंगा। और ये इधर जो बसा हुआ है ना, जो गजनी नया शहर बसा था, वो ये वाला है, बड़ा आता है। हाय कैसे हो? ये देखो गजनी, गजनी का उत्तराधिकारी। कैसे हो, आ आ रही हो? और यहाँ पे देखो कंचे खेल रहे हैं बच्चे। मैं भी पहले बचपन में बहुत कंचे खेला करता था, बचपन की याद आ गई इन बच्चों को देख के कंचे खेलने की। और गजनी का जन्म है जो 2 नवंबर 971 को जाबुलिस्तान में हुआ था, जिसका प्रेजेंट नाम है जो अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है इसको। और ये जगह है ना, इसका अल्टीट्यूड लगभग 2300 मीटर है। जहाँ मैं राजस्थान में हूँ वहाँ का अल्टीट्यूड है लगभग शायद 300 फीट है या 400 फीट है, मुझे सही से याद नहीं है। तो यहाँ पे ब्रीदिंग, थोड़ा सा ब्रीदिंग में इश्यू है, थोड़ा सा सांस फूल रही है। इतना हाई अल्टीट्यूड में जाने के बाद पहली बार ऐसा होता है। और ये देखो, ओ माय गॉड, गजनी सिटी तो काफ़ी बड़ी है यार, मैं इसको छोटी सी समझ रहा था। ये देखो काफ़ी बड़ा है गजनी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जगह है। और ये फाइनली जो गजनी सिटी है, वहाँ पे जो ओल्ड गजनी है, सबसे टॉप पे हम लोग पहुँच गए। और अब आप लोगों को घुमाता हूँ यहाँ पे टॉप पे क्या क्या चीज़ें हैं पुरानी गजनी सिटी में, ओल्ड गजनी सिटी में। गजनी, गजनी यूज्ड टू लिव हियर। और ये इधर भी आपको नीचे है ना, जो नीचे भी सारे मठ के घर दिखेंगे आप लोगों को। और ये मटके घर आप लोग देख सकते हैं, सारे मटके घर हैं, डिश टीवी वगैरह लगा हुआ है सब घरों में। और ये था गजनी का साम्राज्य। और ये कुछ ऐसा है पुराना गजनवी सिटी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार यहाँ पे। ओ कुत्ता भाई, कहाँ जा रहा है? आपको पता हो तो गजनी ने है ना जो 17 बार इंडिया पे अटैक किया था, और जो गुजरात का सोमनाथ टेम्पल है उस पर भी अटैक किया था, वहाँ से बहुत सारा
सोना वोना सामान वगैरह चुरा के ले गया था इंडिया से। इतना हाई अल्टीट्यूड है, सांस लेने में, ब्रीदिंग में, बोलने में, सब में ही दिक्कत होती है यहाँ पे। See bro, I'm thinking how many people he killed Indians that yes, time. Sir. Not one time. He attacked 17 times. Not for to rule kingdom India. He want to loot. You want to loot. ये नीचे क्या है भाई? हाँ, गजनी की गुफा है भाई, तैकाना गजनी। फिर कहा? हाँ? What is there? There is nothing. Huh? Stones, stones. Only single room? Only single room. My God. और गजनी की पत्नी का नाम था कोसर भाई। कोसर भाई नहीं यार, कोसर बेगम या कोसर जहाँ था। और उसके जो दो जुड़वा बैठे हुए थे गजनी के, आप लोगों को पता हो तो, जिन लोगों का इंटरेस्ट हिस्ट्री में है ना, उनको तो अच्छे से पता होगा गजनी के बारे में। गजनी ने 17 बार इंडिया पे अटैक किया। आप लोग सोच सकते हैं कि कितने लोगों को मारा होगा उन्होंने। और केवल राज करने के लिए नहीं, इंडिया को लूटने के पर्पज से गजनी ने 17 बार इंडिया पे अटैक किया था। और यहाँ पे अभी ये जगह है ना, यहाँ पे गजनी रहा करता था, गजनी का महल हुआ करता था किसी ज़माने में। ये देखो, यहाँ पे कुछ घर वगैरह झोंपड़ झोंपड़ बना रखे हैं। ये ऐसा हुआ करता था राजाओं का महल उस टाइम में। आजकल तो ऐसा है, जो गरीब लोग भी अपने इंडिया में, तो गरीबों के भी नहीं होते ऐसे घर, लेकिन यहाँ पे अफगानिस्तान में सब लोगों के है ना, जो मिट्टी के मड के घर ही मिलेंगे अभी भी आपको। नहीं जानता उर्दू, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। ये मुझे गजनी के टाइम का तो नहीं लग रहा, ये है जो मुझे नया कंस्ट्रक्शन लग रहा है। हो सकता है मे भी गजनी के टाइम का भी हो, लेकिन गजनी के टाइम में ना ये लकड़ी अब तक इतनी सुरक्षित नहीं रह सकती। और गजनी यार काफ़ी बड़ा सिटी है। मैं यहाँ पे आने से पहले मैं सोच रहा था गजनी बहुत छोटा सा सिटी होगा, लेकिन ये जो फोर्ट है ना, इसके चारों तरफ गजनी सिटी फैला हुआ है। ये देखो उधर उधर भी पूरे मठ के घर हैं, और ये इधर पूरा ये नया गजनी है जो इधर बसा हुआ है। ये इधर भी पूरे मठ के घर हैं, वो काफ़ी आगे तक गजनी सिटी बसा हुआ है। ऐसे ही इसको कैपिटल ऑफ इस्लामिक सिटी नहीं कहा जाता है गजनी को। 2013 में इसको एज ए कैपिटल सिटी ऑफ इस्लामिक कंट्रीज मान्यता दी गई थी 2013 में। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गजनी की डेथ जो 30 अप्रैल 1023 को हुई थी, 58 साल की एज में उसकी डेथ हुई थी। तब तक उसने जो राज किया था टिल डेथ। और ये देखो यहाँ पे सेना के बंकर, ये टैंक वगैरह मिल जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पे पहले वो चौकी बना रखी थी इन लोगों ने। थोड़े टाइम पहले तक यहाँ पे है ना जो चेक पॉइंट, सिक्योरिटी चेक पॉइंट बना रखा था। यहाँ से आसपास से पूरे गजनी पे आप लोग आराम से नज़र रख सकते हैं। और ये इधर ये नीचे भी है जो ये फोर्ट का ही पार्ट है ये वाला। और उधर है जो पुराना वो नया सिटी। आप लोग देखो यार, ये इधर से चारों तरफ है ना जो गजनी सिटी, वहाँ पे आपको थोड़े मट के घर दिखेंगे, मिट्टी के घर दिखेंगे। और वो उधर आपको काफ़ी आगे दिख रहा होगा, पता नहीं गोप्रो में दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है गजनी का। गजनी की कब्र है जो वो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, उस पहाड़ के बगल में बनी हुई है कहीं। हेडेक हो रहा है भाई, हेडेक हो रहा है जबरदस्त वाला उसकी वजह से, हाई अल्टीट्यूड की वजह से। और अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना गजनी की टॉम्ब जहाँ पे है ना, उधर जा रहे हैं हम, उस साइड में जा रहे हैं। अभी गजनी की टॉम्ब भी दिखाएंगे जहाँ गजनी को दफनाया गया था। और यहाँ पे क्रिकेट का इतना क्रेज है, देखो बच्चे कहीं भी क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। उन्होंने भाई पूरा पिच वगैरह तैयार कर रखा, आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट का पिच तैयार कर रखा है बच्चों ने। क्रिकेट खिलाएगा? खिलाएगा पक्का? गाने फोकस तो नहीं रहा, पास करो। ए बच्चा पास करो, व्हाट इज दिस? नाम ना गोल कर रहे ना, गोल कर रहे ना। He made 3 runs, I made in 1 ball 4 runs. I won the match. अभी मैं आया तो यहाँ पे गजनी की जेल दिखाने था, लेकिन मैं इन बच्चों के पास क्रिकेट खेलने लग गया था। ये देखो यहाँ का गजनी का है जो प्रिजन हुआ करता था गजनी के टाइम में। ये देखो
ये गजनी टाइम का जेल ऐसा हुआ करता था। वो था गजनी का किला और ये था गजनी टाइम का जेल। उसका जेल कुछ ऐसा हुआ करता था गजनी टाइम के। अंदर चल के बताऊं क्या यार आप लोगों को। गो। ये है गजनी टाइम का जेल। ओह माय गॉड भाई, जेल ऐसा किला नहीं है, उससे ज़्यादा ज़बरदस्त तो इन्होंने जेल बना रखी है पक्की दीवारों से। ये थी जेल गजनी की। अब चलते हैं, अब गजनी की टॉम्ब को घूमने चल रहे हैं हम लोग। लॉट ऑफ और आप लोगों को यार ये सामने टैंक वगैरह, ये विलेज था। अच्छा नो, इसमें रूसी अटैक किया था। अच्छा यहाँ पे रशिया ने अटैक किया था और ये सामने यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। यहाँ पे जो जब रशिया ने अटैक किया था ना अफगानिस्तान पे, तब यहाँ पे भी एक छोटा गांव हुआ करता था। इस गांव पे भी रशिया ने अटैक किया था। यहाँ पे अफगानिस्तान और रशिया के बीच में यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। और आपको ये बहुत सारे टैंक वगैरह दिख रहे होंगे, वो जर्जर अवस्था में पड़े हैं। उधर और भी ज़्यादा टैंक वगैरह पड़े हुए हैं, वो उसी टाइम के पड़े हुए हैं। और ये जो मीनार दिख रही है, ये भी गजनी टाइम की बनाई गई है यहाँ पे। उर्दू जानता है भाई? हाँ, कहाँ से सीखा? पाकिस्तान। पाकिस्तान से? वहाँ पे कब रहे थे? कब रहे थे पाकिस्तान में? बचपन में। अभी भी बचपन ही है तुम्हारा यार। यहाँ पे कब आया? यहाँ पर कितने साल हो गए? एक दो हफ्ते हो गए। एक दो हफ्ते ही हुए हैं। तो यहीं के रहने वाले हो या पाकिस्तान के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के? कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे क्या है, रिश्तेदार है? हाँ रिश्तेदार। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और अब हम लोग आ गए जहाँ पे गजनी को दफनाया गया था, जहाँ पे गजनी की टॉम्ब है। सरिन बोलो, टॉम्ब बोलो। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग हैं। वो यहाँ पे टॉम्ब है ना, उसका एंट्रेंस गेट ही है। और यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं गजनी सरिन को घूमने। ये देखो जो गजनी डायनेस्टी के जो रूलर्स है ना, उनका सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और साल लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये है जो सुल्तान महमूद गजनवी 997 से। और ये देखो, ये जो यहाँ के गजनवी की जो टॉम्ब है ना, उसके बाहर का हिस्सा कुछ ऐसा है। और ये बिल्डिंग है, इसके अंदर है गजनवी की टॉम्ब। और ये है महमूद गजनवी की टॉम्ब, उसकी कब्र। और ये शायद कहीं बाहर जाने का रास्ता है। वहाँ पे वो देखो, ये रास्ता जा रहा है टॉम्ब को जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने पानी वाने निकास की कुछ व्यवस्था कर रखी है। अभी तो मुझे भी नहीं पता ये पानी आ कहाँ से रहा है। द वाइफ ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, ही ब्रिंग दिस वाटर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ पोर्ट ऑफ गजनी। ही ब्रिंग, या लाइक गजनवी ब्रॉट और हिज वाइफ ब्रॉट, हिज वाइफ ब्रॉट दिस वाटर। या ओके, गिव अ पीपल मनी, दे मेक way for the water. Okay, okay. They come there. Maybe 15 kilometers away from here. 15 kilometers yeah. from where this water is coming? 15 kilometers. 15 kilometers. 10 kilometers. 10 kilometers. Wow. और ये पानी जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है पहाड़ों से। और ऐसा कहा जाता है कि जो गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी की जो वाइफ थी ना, कोसर जहाँ, उसने यहाँ पे पानी के लिए लाने के लिए व्यवस्था की थी इस पानी को। बच्चे शर्मा गए। दिस एरिया अभी हम लोग हैं, जो आप लोगों ने देखा होगा गजनी जो फोर्ट था उसको भी घूम के आए हैं। जो गजनी की टॉम्ब थी वहाँ की, गजनी की जहाँ पे गजनी को दफनाया गया था उसको भी घूम के आए हैं। फिर उसके बाद जो रशिया के टैंक थे उसको भी घूम के आए। और अब वापस आ गए हम लोग गजनी जो सिटी है वहाँ पे आ गए हम लोग वापस से। अब देखते हैं, ये देखो ये गजनी सिटी कुछ ऐसी दिखती है भाई, हैदराबाद सिटी। और ये जगह है ना, ये जो ब्रिज है ना, इसका नाम हैदराबाद ब्रिज है। क्योंकि इस हैदराबाद ब्रिज इसलिए है कि इसका नाम हैदर नाम का आदमी था, उसने इस ब्रिज को बनाया था। ये यहाँ पे मूंगफली, डू यू वांट टू ईट मूंगफली?
ये यहाँ पे सर्दी, अभी यहाँ पे सर्दी है और सर्दी में देखो तरबूज यहाँ पे कितने मोटे मोटे हैं यार। सो अभी यहाँ पे जो गजनी सिटी है ना वहाँ पे शाम हो गई है और यहाँ पे शाम की चहल पहल कुछ ऐसी है। अभी हम यहाँ पे जिन लोगों के साथ रुके हैं ना वो काफ़ी अच्छे लोग हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। यहाँ पे सामने एक VIP रेस्टोरेंट, VIP समझ में आ रहा है, बाकी और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। और अभी हम लोग खाने वाले हैं, ये छोटा सा ठेला है यहाँ पे, समोसे खाएंगे यहाँ के अफगानी समोसे। अभी यहाँ के देखो ये अफगानिस्तान के समोसे कुछ ऐसे होते हैं। ये समोसे खा के मुझे ना MP के याद आ गए, जब मैं MP में था तब मैंने सेम समोसे खाए थे ये वाले, काफ़ी अच्छे हैं, टेस्टी समोसे। बहुत दिन बाद, लगभग कितने 9 साल बाद मैंने ऐसे समोसे खाए हैं। हमारे राजस्थान में नहीं मिलते ऐसे समोसे। Umma, what are you doing, man? I had more than 5 samosas. Nearly, I never had this kind of wonderful samosa. Yeah. Mr. Sai, what are you doing? ये देखो यार, थैले से 4-5 समोसे उठा ला यार। So guys, आज हम लोग सारे दिन से गजनी सिटी को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे जो मोहम्मद गजनवी का जो था टॉम मती, उसका जो किला वगैरह था वो सब हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया। और आज सुबह से ही ये कुछ अपने अफगानिस्तानी भाई लोग, ये भी हमारे साथ, हमारी काफ़ी हेल्प की इन लोगों ने हमारे को गजनी सिटी को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प किया। और ये हम लोग अभी सारे के सारे यहाँ बैठे हुए, देखो ये अफगानी आवभगत ऐसे होती है यार, ये देखो। और रूहानी भाई, you made our day. Most welcome in our city. Yeah, we are so happy for you coming in our city. I am honored about this. Yeah, thanks a lot. ये है ये भाई हमारे साथ पूरे 10 दिन के, हमारे जो अफगानिस्तान का ट्रिप है ना, सईद साहब, ये हमारे साथ रहने वाला है। और ये इरफान काफी अच्छा बंदा है। इरफान भाई ने ना हिंदी मूवीज देख के ना हिंदी सीख ली है यार। थोड़ा थोड़ा हिंदी बात कर सकते हो। और ये भाई है। सो अभी हम लोगों की यहाँ से गजनी से 8:30 बजे बस है कांधार के लिए। तो हम 8:30 बजे अभी यहाँ पे टाइम हो गया, 7 बजे बस वाला पहले फोन कर देगा तो फिर हम लोग चल देंगे कांधार के लिए। कांधार यहाँ से 300 किलोमीटर फ्रॉम हियर, कांधार 400 ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा दूर है। तो यार इन लोगों के साथ आज घूम फिर काफी अच्छा लगा, काफ़ी मेहमान नवाजी करते हैं यहाँ के लोग। और अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट आइज कांधार का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कांधार के वीडियो होंगे। कल सुबह हम लोग कांधार पहुँच जाएंगे। और ये अपना इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी आप लोग यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।